हेलो वर्ल्ड्स गाइस, की हाल चाल कैसे हो सभी। तो हम आ चुके फिर से एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपके भी अकाउंट के साथ कुछ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर अबनॉर्मल एक्टिविटीज विथ योर अकाउंट, इट हैज बीन सस्पेंडेड। तो हाँ गाइस, अगर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम लोग भी इसी का सोल्यूशन ढूंढने चल पड़े होगे। लेकिन इसके सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में तुमने तो भाई इतने पैसे आईडी के साथ गवाए ही, साथ में तुमने बहुत सारे पैसे और गवाए। और साथ में अगर ये वाला प्रॉब्लम तुम लोग के आ रहा है तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हमें इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया है, वो भाई का प्रॉब्लम देखते हैं। अगर तुम लोग भी अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे यार मैसेज कर सकते हो, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और जो तुमने गलतियां की वो दूसरे कोई ना करे, उनकी आईडी बैन ना हो, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर या फिर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चन को उठाते हैं कि भाई ने क्या बोला है, और उसके बाद हम ये वाला प्रॉब्लम बताएंगे, प्लस हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे, जैसे ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बंदा बोल रहा है यहाँ पे मैसेज करो, यहाँ पे कॉल करो, तो मैं तुम्हारा आईडी ओपन कर दूंगा। तो इस तरीके से भाई बहुत गंदा स्कैम हो रहा है। तो चलो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई को। गाइस ये भाई है फरहान, और इसने मेरा से नंबर पूछा, और उसके बाद सीधा इसने कोई वॉइस नोट भेजा है, फिर इसने अपना UID भेजा है, फिर आईडी पासवर्ड भेज दिया भाई प्लीज। तो देखते हैं भाई ने वॉइस नोट में क्या भेजा है। मैंने आपके कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आईडी ना भाई परमानेंटली बैन नहीं दिखा रही है, सस्पेंड दिखा रही है। मैंने स्टार्ट का अनुशासन किया, अभी मैंने ना आपकी वीडियो देख के, वंडर्स एक वाली वीडियो देख के मैंने वही मैसेज किया ना, तो भाई अभी मेरी आईडी टोटली वो नहीं बता रही है भाई, टोटली बैन नहीं बता रही, सिर्फ सस्पेंड बता रही है। मैं आपको आईडी पासवर्ड भी भेज सकता हूँ चाहे तो, और UID भी भेज देता हूँ, आपसे हो सके तो मेरी आईडी अनबैन करा दो भाई, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो चलो भाई सबसे पहले हम इसकी UID को कॉपी करेंगे, और इसका UID कॉपी करने के बाद चेक करेंगे क्या सच में ये बंदे गरीना के पास इस आईडी के खिलाफ कोई सबूत है या फिर नहीं है। तो फ्री फायर आईडी चेक वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि फ्री फायर के पास सच में क्या कोई सबूत है कि ये बंदे ने कोई हैक वगैरह यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी UID डाल देते हैं, ये हटा दो इसको। तो UID डाल के जैसे हम सर्च करेंगे भाई 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 भाई, भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, वी हैव कन्फर्म डैट दिस अकाउंट हैज़ यूज हैक एंड हैज़ ऑलरेडी बीन बैंडेड। ब्रो यहाँ पे इस बंदे ने हैक यूज़ किया है, और यहाँ पर लिख के आ रहा है कि भाई तुमने अपना अकाउंट में हैक यूज़ किया है, और इसके पास गरीना के पास सबूत भी है कि इसने हैक यूज़ किया और गरीना ने इसका आईडी बैन कर दिया। तो भाई ख़त्म है, अब इसका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता कभी भी, कुछ भी कर ले। और इसी का फ़ायदा उठा के बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे हेल्प सेंटर पे और देखते हैं भाई ने क्या बात किया। तो इंडिया के हेल्प सेंटर जाएंगे, और मैंने इस भाई का आईडी यहाँ पर लॉगिन करके रखा है, तो भाई के माई रिक्वेस्ट में जाते हैं और देखते हैं भाई ने क्या गलती करी है। तो फ्री फायर आईडी सस्पेंडेड बाय मिस्टेक, इस पे जाते हैं। तो भाई ने मेरे वीडियो देख के इसको किया है, तो सेम चीज़ इन्होंने लिखा है जो मैंने लिखा था। तो फ्री फायर वालों ने रिप्लाई किया है वही हैक वैक वाला, फिर भाई ने लिखा था, देखो ये गलती देखो भाई का, भाई ने क्या लिखा है, ब्रदर आई यूज्ड फाइल ऑफ 0 lakh, आई गॉट रिकमेंडेड बाई MTF यूट्यूबर, आई डाउनलोड फाइल बिकॉज आई एम 2 GB रैम फोन प्लेयर, यू नो नाउ डेज फ्री फायर मैक्स लिखना चाहता था बंदा, यू नो नाउ डेज फ्री फायर MB इंक्रीज डे बाई डे बिकॉज ऑफ न्यू बंडल्स एंड गन स्किन, सो आई रिक्वेस्ट यू ब्रदर प्लीज़ अनबैन माई आईडी एज यू पॉसिबल। मेरे भाई सबसे पहले तो बंदे ने भाई जिप फाइल यूज़ करा है अनलैग के लिए। तो भाई ये जब फाइल यूज़ करोगे गरीना के आईडी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि बैन होना ही था। तो भाई प्लीज़ तुम लोग ये सब मत करो। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे पहले देखते हैं दूसरा स्कैम क्या चल रहा है। तो गाइस देख सकते हो दूसरा स्कैम तो मेरे कमेंट बॉक्स में ही चलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे भाई मेरे कमेंट्स हटा दिए, बहुत सारे मैंने कमेंट्स को डिलीट किए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने चैनल से हाइड किया, फिर भी मेरे भाई इतने सारे कमेंट्स, और बहुत लोग कांटेक्ट करते भी हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिंपली तुम आपको अपना नंबर देंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कोई भी आईडी देंगे और बोलेंगे कि मैं आपको आईडी ओपन करके दूंगा। और बहुत सारे यूट्यूबर भी इस चीज़ पर स्कैम कर रहे हैं, आपसे 100 रुपये 200 रुपये मांग रहे। तो भाई मैं बोल दूँ, मैं देखो कोई एक भी रुपये नहीं लेता हूँ किसी बंदे से, लिटरली एक भी रुपये मैं किसी बंदे से नहीं लेता हूँ। तो आप लोग किधर भी कॉन्टैक्ट मत करो, और ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो पैसे लेके आईडी को अनबैन कर पाए। अगर गरीना बोलता है कि आपका आईडी हैक की वजह से बैन हुआ है तो अब वो अनबैन नहीं होगा, गरीना चाहेगा तभी अनबैन होगा, अदरवाइज कोई भी बंदा पैसे लेके उसको अनबैन नहीं कराना चाहता। अगर आप लोग भी चेक करना चाहते हो
कि आपने हैक यूज़ किया है या फिर नहीं यूज़ किया है, और गरीना के पास इसके पास सबूत है कि नहीं कि आपने हैक यूज़ किया था और इसकी वजह से आईडी बैन हुआ है या फिर किसी और रीज़न से बैन हुआ है। तो तुम्हें सिंपली जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद तुम्हें सर्च करना पड़ेगा आईडी चेक फ्री फायर। जैसे चेक करोगे यहाँ पे सपोर्ट वीडियोस आएगा। तो सिंपली ये वेबसाइट गरीना ने इसलिए बनाया है कि हम किसी भी देखो हैकर वैकर को देखते हैं तो हम रिपोर्ट मारते हैं। तुम्हें किसी ने रिपोर्ट मारा होगा और उसकी वजह से तुम्हारा आईडी बैन हुआ होगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपली तुम्हें यहाँ पे अपना यूआईडी डालना है। जैसे मैंने उस बंदे का यूआईडी कॉपी किया था और मैं जैसे ही यूआईडी को यहाँ पे पेस्ट मारूंगा तो यहाँ पे देखो लिख के आ जाएगा कि ये बंदे ने देखो वी हैव कन्फर्म्ड, मतलब गरीना ने ये कन्फर्म कर दिया कि इस बंदे ने हैक यूज़ किया और इसकी वजह से इसकी आईडी बैन हुई है। तो भाई ध्यान रखो, किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी भाई दुखी में हो कि भाई तुम्हारा आईडी बैन हुआ, फिर पैसे दोगे फिर आईडी भी अनबैन नहीं होगा और तुम्हारा पैसे भी चला जाएगा। तो भाई ये बात समझो, तुम्हें किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा आईडी हैक की वजह से बैन हुआ है तो तुम यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। और अगर यहाँ पे कुछ और लिख के आता है कि भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम गरीना के हेल्प सेंटर पर जाके हेल्प मांग सकते हो, तुम्हारा आईडी अनबैन हो जाएगा। ओके, तो डैट्स क्लियर। तुम्हें कहीं भी किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और क्या ही कर सकते हैं। और तुम लोग को मैं बता दो, अगर तुम लोग भी एक नए गेम को खेलना चाहते हो तो उसका मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके ये वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और गाइज़ अगर तुम लोग को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो यार मैं क्या ही बताऊँ, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी यार ये क्यों आता है। क्योंकि जब हम गरीना को मेल करते हैं, गरीना उसका रिप्लाई करता है, फिर हम कुछ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, दिस पेज नॉट फाउंड या फिर कोई इस तरीके का इशू। बहुत लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, बहुत लोगों ने स्क्रीन शॉट भेजा इस प्रॉब्लम का। तो भाई यार मैंने बहुत ट्राई किया, अभी तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला है। अगर तुम लोग में से कोई बंदे को ये प्रॉब्लम का सलूशन पता है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, सबको पता चला जाएगा। और अगर तुम लोगों से भी किसी को भी ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं पता है तो यार थोड़ा वेट करो, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे इसके पता लगेगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा क्यों आता है और इसको सही कैसे करना है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार जो मुझे नहीं पता है मैं उसमें झूठ बोल के फालतू में क्यों बताऊँ, समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन लिटरली अभी तक मेरे को नहीं मिला है। और तुम लोग को मैं बता दूं मेरे भाई, प्लीज़ किसी को भी कुछ भी पैसे मत दो। बहुत लोग मेरे को बोलते भाई पैसे ले लो, मेरा आईडी अनबैन करा दो। मैं बहुत बार बोलता हूं मेरे भाई किसी को भी पैसे मत दो, पैसा लेके ब्लॉक कर देगा, क्योंकि गरीना किसी का कंपनी नहीं है ना भाई कि वो तुमसे पैसे लेगा और ये बोल देगा तो गरीना अनबैन कर देगी। मेरे भाई बहुत बड़े 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 यूट्यूबर्स का आईडी बैन करती है तो गरीना नहीं करती है अनबैन। तो इस बात को समझो और किसी को भी एक भी रुपए मत दो, ओके। और साथ में मैं तुम लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर तुम लोग भी एकदम मस्त वाला गेम खेलना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में आ चुका है अपना इंडिया का एक मस्त सा गेम, तो सिंपली जाना है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, मैंने उस वीडियो का लिंक दिया, पूरा वीडियो जाके देखना और वो गेम खेलना, क्योंकि वो गेम खेलने से हमें मिल रहे हैं स्मार्ट वॉच। हाँ मेरे भाई, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो आप, गेम खेल के ईयरबड्स जीत सकते हो और बहुत सारे रिडीम कोड, ये कोई फेक नहीं है, रियल गेम है। तो जाओ तब तक के लिए वो गेम भी आप खेल सकते हो। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार हैक यूज़ किया, आपने मिस्टेक किया, गरीना आईडी बैन कर दिया, तो दूसरा बनाओ, मजे करो और इसमें पैसे मत लगाना। सिंपल।